मैंने देखा है एंड आई एम गोइंग टू वॉच इट इनसाइड विद एवरीवन. देखिए अभी आज फर्स्ट शो है तो अभी स्टोरी सेटअप हो रहा है. आई जस्ट होप दैट ऑफ कोर्स उम्मीद ये है दैट द शो इज़ अ सुपर सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज गिव इट अ वीक और हमें रिएक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि हाउ इज़ द शो, हाउ आर पीपल लाइकिंग इट एंड ऑल ऑफ दैट. तो एक हफ्ता तो कम से कम देना पड़ेगा. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मुझे ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको कैसे लग रहा है कि टीवी और फिल्मों में अलग क्या है. तो मेरा बस एक ही चीज़ है कि अलग कुछ नहीं है. सिर्फ टेलीविज़न में आप 15 दिन 20 दिन उससे ज़्यादा आप काम करते हो लगातार. फिल्मों में आप एक फिल्म करते हो, फिर आपको ब्रेक मिलता है, फिर आप दूसरी फिल्म करते हो और आपको एक अलग फिल्म जॉनर और किरदार प्ले करने को मिलता है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी एवरीथिंग एल्स इज जस्ट द सेम. देखिए अब काम हर जगह डिफिकल्ट है, लॉन्ग आवर्स हर जगह है. इफ़ यू आर अ फिल्म एक्ट्रेस या तो फिर अगर आप ऑफिस जाते हो या अगर आप एग्जीक्यूटिव हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, सबके घंटे और सबके दिन बहुत लंबे हैं. तो मुझे नहीं ये नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है कि हाँ टीवी में और ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई अपने हर काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं. या तो मेरे किरदार का नाम है माहिरा, जो एक बहुत बड़े कारोबार की मालकिन है. शी इज़ अ नो नॉनसेंस वुमन. वो अपने खुद के बल पे सफल हुई है एंड शी हैज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द पीपल अराउंड हर. क्योंकि आप तो एक मुकाम तक पहुंच सकते हो लेकिन आपको अपनी टीम की ज़रूरत भी होती है. एंड सो यस, ये होल एनवायरनमेंट में जहाँ आप देख रहे हो कि ये शो है इंटरनेट वाला लव, जो व्हाट्सएप और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी ज़िंदगी में ये सब सोशल मीडिया और ऐप्स कैसे इतने मायने रखती हैं उस पे बेस्ड है. और उसके ऊपर जो प्यार होता है, कॉमेडी होता है, फ्रेंडशिप्स होती है, वर्क एनवायरनमेंट में क्या डायनामिक्स होता है, इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट इन अ लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा. इंटरनेट वाला लव मोबाइल के बारे में दिखाया गया. आप कितने मोबाइल लवर हैं पर्सनली? हम सब मोबाइल लवर हैं. आई मीन अगर आप सोचे, हमारे दो अंग हैं और तीसरा अंग है हमारा फ़ोन, क्योंकि हमारा फ़ोन हमेशा हमारे हाथ में होता है, हमें हमसे छोड़ा नहीं जाता हमारा फ़ोन. तो मुझे लगता है आप जो भी हो, अगर आप 6 साल के बच्चे हो, आपके अगर मम्मी पापा ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया है, 6 साल से लेके 60 ईयर्स तक मुझे लगता है हम सब अपना फ़ोन हाथ में रखते हैं हमारे साथ. तो किसी से भी नहीं आजकल फ़ोन छूटा जाता है. ओके मैम, बिग बॉस भी आ रहा है, तो में आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस को देखकर, क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बिग बॉस एज एन ऑडियंस. मैं देखना चाहती हूँ कि इस साल अलग बहुत है थीम, विचित्र जोड़ियाँ हैं थीम, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इसका आगे कैसे होगा और इसमें जो ड्रामा है वो ड्रामा कैसे अनफोल्ड होगा. नहीं, मुझे नहीं पता कौन से नाम अनवील हो चुके हैं. अच्छा, जो अभी अफवाहें जो चल रही है उसमें से कोई अगर आप बता सकें? नहीं, मैंने सुना नहीं, तो फिर मैं अनऑफिशियल चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ. जब ऑफिशियल होगा, शो का फर्स्ट एपिसोड होगा, तो तब देख के तब देखेंगे. थैंक्स. और कोई सवाल? एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क? ओके, सुपर.
थैंक यू मैम. मैं बहुत ही खुश हूँ. इंटरनेट वाला लव हमारा आज फर्स्ट एपिसोड था एंड मैंने देखा, मुझे बहुत मज़ा आया. एंड मैं छोटे से ब्रेक के बाद टेलीविज़न पे लौट रही हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट वाला लव बहुत ही रिलेटेबल है, तो आप एपिसोड देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. हाँ, ये जो शो, इनफैक्ट मैंने जब स्टोरी लाइन सुनी थी, मैंने जब दिया के बारे में जाना था, जब मेरे को कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ दिया गया था कि वो इंटरनेट सैवी है, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही आउटस्पोकन है, तो मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा क्योंकि अनुष्का भी वैसी है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है जैसे आपको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे. एंड दिया भी वैसी है, तो इसे मुझे जब मैंने सुना ये स्टोरी लाइन कि इंटरनेट वाला लव, इट्स एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, तो इससे मैं बहुत एक्साइटेड थी. इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैं ये शो कर रही हूँ. हाँ, क्योंकि एक तो मैं लाइव थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे कुछ फैंस हैं जो इंडिया में नहीं रहते, जो इंडोनेशियन है, फिर यूके है, तो वो उधर कलर्स नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो लाइव. तो मैं जब लाइव थी तो आई कुड सी देयर रिएक्शन ऐसे लाइव पे कि अरे वाह, दिस दैट. सो उनका रिएक्शन एक तो देख के हमें मोटिवेशन मिलती है इन शॉर्ट, क्योंकि वो तब मुझे पता चलता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उन्हें अच्छा लग रहा है. एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उनकी वजह से. I'm sorry. मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेट करती हैं जो हमारी इंडिया की वुमेन है उनको, कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो एंड स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो. तो क्योंकि पहले लोगों का मेंटालिटी था कि सिर्फ लड़के ही ऐसा कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स में जाके नाम रोशन करना, बट अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि इन लोगों को देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम जो काम करते हैं उसे पूरे दिल से करना चाहिए और इंडिया को प्राउड करना चाहिए. Thank you. कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे मिले हैं और हमने एपिसोड देखा है, बड़ा मज़ा आया. और जो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जैसे कि आद्या है कि वो थोड़ा सा इंटरनेट से दूर रहती है और जय है इंटरनेट से लिटरली इंटरनेट में घुसा रहता है, तो वो डिफरेंस देखने के लिए मिला है. बाकी फर्स्ट एपिसोड है अमेजिंग शॉर्ट्स वाइज और हमारे डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और स्टोरी बहुत अच्छी है. तो आपने भी देखा होगा, आपको भी मज़ा आया होगा और बाकी हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे और हम रिप्लाई भी दे रहे हैं. बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. हम हमेशा से, बचपन से मैं टेलीविज़न और डेली सोप्स देखते आया हूँ और आई एम सो हैप्पी कि कॉन्सेप्ट्स नए आ रहे हैं और इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूथ को फोकस किया जा रहा है थ्रू द, क्योंकि डेली सोप्स मान दे कि सास बहू ही होता है, पर थैंक गॉड ये चेंज हो रहा है क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ इस टेलीविज़न इंडस्ट्री का. तो पहला एपिसोड देख के मुझे फ़ील हुआ यस, हम कुछ तो आगे बढ़े हैं और काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है हमारे डायरेक्टर सर, हमारी पूरी टीम. आज फ़िलहाल हमारा इंट्रोडक्शन नहीं भी हुआ था बट बाकी टीम का काम देख के हमें बहुत अच्छा लगा. हाँ. और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता, बहुत बहुत अच्छा लगा. अपने कैरेक्टर्स को ब्रीफ कर देंगे ऑडियंस को. देखो सीधी सीधी बात बताते हैं हम आपको, दिल्ली के जो लफंगे होते हैं ना, लड़के छोरे होते हैं ना, बस वही है वो देखने को मिलेगा आपको. टोटल स्वैग, दिल्ली वाला स्वैग, ब्रो कोड. और बाकी नहीं भी देखने को मिलेगा तो हम जबरदस्ती दिखा देंगे आपको. अगर नहीं और आपको गारंटी भी देते हैं कि आप लोगों को पसंद भी आएगा क्योंकि दिल्ली वाले तो ऐसे ही होते हैं. जैसे कि हमें इंटरनेट वाला लव, कभी क्या इंटरनेट पे फ्लर्टिंग किए हैं आपको रियल लाइफ में और क्या लव हुआ है? कैसी बात कर रहे हो सर, इंटरनेट पे तो फ्लर्ट ही होता रहता है क्या? फेसबुक बनाया किस लिए था? और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, दोस्ती भी बनती है, फ्लर्ट भी होता है, तो इंटरनेट वाला लव लेके आए, इसमें ट्विस्ट्स बहुत होंगे. एग्जैक्टली, इंटरनेट वाला लव हमारे टाइटल से ही पता लगता है, लव और फ्लर्ट यही सब तो होगा. यही सब शेयर कर सकते हैं. हां जी, एक इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं जो हुआ होगा? इंसिडेंट तो अपने रोज होते रहते हैं क्योंकि मैं बता नहीं सकता यहां पे क्योंकि थोड़ा सा मैं बताता हूं. मेरे साथ हुआ था जब मैं नया, मैं आई थिंक
स्कूल टाइम में था तो मैं ऐसे ही फेसबुक नया नया इंस्टॉल किया था, तो उस समय फेक प्रोफाइल्स बहुत होते थे, तो उस समय नई नई गर्लफ्रेंड बनाने का चुल होता है ना सब में, तो मुझ में भी था, तो मैंने भी ट्राई किया कि भाई इंटरनेट वाला लव मेरे साथ हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लड़की का अच्छा सा प्रोफाइल डीपी देखा, मैंने बोला लड़की तो बहुत अच्छी है यार और स्कूल भी मैचिंग था, तो मैंने उसको बोला कि हाय दिस इज़ सागर एंड कल हम स्कूल में मिलते हैं। फिर पता चला साला मेरा क्लासमेट ही था जो मुझे उल्लू बना रहा था और एक महीने तक मुझे ऐसे परेशान किया, अच्छी अच्छी बातें की और मुझे इंटरनेट वाला लव हो रखा था, पर जब पता चला कि भाई ये तो मेरा दोस्त है तो भाई बैंड बच गई थी मेरी बहुत बुरी वाली। एक हमने किया था ऐसे ही, हम क्या करते थे, मैंने अपनी प्रोफाइल पे लड़की की पिक लगा ली और नाम भी कुछ रुबीना टाइप लिख लिया, उसके बाद एक लड़की का मैसेज आता है तो मैंने हाय हेलो थोड़ा सा और फ़ोन पे बात नहीं की ना, वीडियो पे सिर्फ व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ उससे, करता रहा एग्जैक्टली वो हमारा फ्रेंड था, तो हमने कहा कि अभी केक खाने का मन कर रहा है तू आ जा मेरे घर पे, कोई नहीं है दिया जा। वो बंदा पहुँचा घर पे, गेट खटखटा रहा है, गेट पे कोई नहीं, कहते हैं यहाँ पे तो कोई नहीं, ओ यार तुम लेट हो गए, मैं ना अभी शॉपिंग के लिए इधर आ गई, तुम केक वहीं पर रखो मैं बस 5 मिनट में आई। वो केक रखे वहाँ से गया निकला, उसके बाद मैंने प्रोफाइल डिलीट की और उसके बाद अपने दोस्त से बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड बन के उससे बात कर, उसने मेरा बॉयफ्रेंड बन के उसको गालियाँ दी तकड़ी, वो वहाँ से भाग गया, जो वहाँ से भागा था हमने गेट खोल के केक अंदर लिया, फिर हमने केक खाया। USP यंगस्टर्स हैं और अच्छी कहानी है हमारी जो दिखा रहे हैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड और विदाउट इंटरनेट लोग कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं और आजकल लाइफ कितनी मॉडर्न हो चुकी है कि हमें इंटरनेट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके बेनिफिट्स हैं और बाकी दिल्ली का स्वैग है, यंगस्टर्स हैं और क्या चाहिए, फ़न भी मिलेगा, कहानी मिलेगी अच्छी, अच्छा लव मिलेगा और क्या चाहिए। व्यूअर्स को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं पहली बात तो, दूसरा यंगस्टर्स को पता चलेगा कि इंटरनेट यूज़ करने से क्या कॉन्स होते हैं और क्या मतलब अच्छाई होती है उसमें, और दूसरा तीसरा ये पता चलेगा कि इंडिया इंटरनेट यूज़ करने में पीछे नहीं है, जो हमारी चटपटी सी फैमिली देखने को मिलेगी ना इसमें, उसमें आपको पता चलेगा कि हर अलग अलग कैरेक्टर्स इंटरनेट किस हिसाब से और किस पसंद से यूज़ करते हैं, तो आई थिंक यंगस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा प्लस अदर ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बस इंटरनेट की बस फ्लड के लिए लव के लिए, ऐसा नहीं है, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो पहले हमें घर से दूर जाना पड़ता था मनी ट्रांसफर के लिए, यहाँ जाना पड़ता था वहाँ जाना पड़ता था टिकट के लिए वहाँ जाना पड़ता था, वो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, हाथ में आप कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर इंटरनेट से प्यार हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं हम आज एंड एपिसोड देखने वाले हैं, हम पूरी टीम साथ में बैठकर एपिसोड देखने वाली है, तो उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है क्योंकि जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, जिनके साथ आप एक फैमिली की तरह रहते हो, उनके साथ एपिसोड देखने में अलग ही मज़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कैरेक्टर के बारे में बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, एक सिंपल सी स्वीट सी लड़की है जो अभी भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर भागती है, अभी भी ओल्ड और कन्वेंशनल वेज में ही बिलीव करती है, बहुत सिंपल सा कैरेक्टर। मेरा रियल लाइफ से थोड़ा सा ही रिलेटेबल है, मतलब मैं आधा की तरह इतनी इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, बट सोशल मीडिया पर हूँ ऐसी बात नहीं, आधे तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर नहीं है, बट इतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, बट अभी बहुत ट्राई कर रही हूँ, अभी शो शुरू हो तो प्रमोशन तो करनी है ना। यस यस, एक एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस इस चीज़ की भी है कि क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने शोज़ किए वो सब हिस्टोरिकल रहे हैं एंड ये मेरा पहला ऐसा शो है जिसमें मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह आ रही हूँ, प्रिंसेस या क्वीन की तरह नहीं आ रही हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेशर नहीं कह सकते, थोड़ा चैलेंजिंग तो रहा है, हर कैरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, बट ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, जो कॉन्सेप्ट है शो का वो काफ़ी डिफरेंट है, तो
देखो अभी तो 16 साल की हूँ, आगे का मुझे नहीं पता, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप बस ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए, इतना सारा प्यार देते रहिए और हम आगे की आगे की आगे भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा यही साथ में से आप थैंक यू सो मच। हेलो, शो के लिए बहुत अच्छा कहना चाहेंगे, आप लोग बस उसको सपोर्ट करें, प्यार करें, एक कुछ नया अटेम्प्ट किया है हमने एंड आई विश आप सबको बहुत पसंद आएगा एंड आप फॉलो करोगे एंड हमें प्यार दोगे। जी जी अभी तक ज़्यादा तो नहीं, बट मेरे मॉम डैड से मेरी बात हुई है, उन लोगों को बहुत पसंद आया, बाकी अभी फैंस के, फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर्स के सबके मैसेज आ रहे हैं, तो आई होप सबको पसंद आ रहा है अभी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड और भी आता रहे एंड और हमारा शो अच्छा करें। नहीं ऐसा नहीं है, इंटरनेट वाला लव नाम ज़रूर है, पर ये है दो वर्ल्ड, जो एक जो हम नई जनरेशन हो चुकी है जो एकदम इंटरनेट पे रहती है और एक जनरेशन जो अभी उससे दूर है, मतलब एक जो रियलिटी है उससे दूर चल रही है, उसके बारे में है और ऑब्वियसली एक स्टोरी है, उसमें से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो आपको देखना हो या जो नहीं देखना हो वो डिपेंड करता है। मैंने कितना फ्लर्ट किया हुआ है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे तो नहीं, जैसे मेरा कैरेक्टर है जय, वो ज़्यादातर डेटिंग साइट्स पे रहता है, तो मुझे याद है कि एक दो साल पहले जब ये हमारी डेटिंग साइट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, तो मैं सोचा एक बार देखता हूँ कि क्या है क्या, तो मैंने ऐसे अकाउंट बनाया और जैसे ऑब्वियसली एक एक्टर, एज एन एक्टर लोगों को पता होता है, लोग जानते हैं, तो मैंने अकाउंट बनाया, किसी से बात करनी शुरू की तो कोई मुझे डांटने लगी, अरे तुम फेक हो, तुम शिविन की आईडी क्यों बना के बात कर रहे हो। सो या इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट या दैट वाज माय थिंग। इस शो के थ्रू आपको बहुत 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 ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा, मैसेज तो देखिए देखने वाले पे है कि वो क्या मैसेज लेना चाहता है, बट हम एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप सबको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे एंड जो भी देखेगा वो एंजॉय करेगा इस शो। जी मैं तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ एंड इट्स लाइक आई नो कि कितना हार्डवर्क, कितना कमिटमेंट है एंड आई वांट टू विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू वॉच, थैंक यू। हेलो गिर गया ना। ये है इंटरनेट का सड़क का भूत सवार, क्या कि पिक्चर लिया एंड लाइक शो भी रहा ही नहीं जाता अंटिल यू सी द पिक्चर कि आई एम लुकिंग परफेक्ट इन द पिक्चर ऑल ऑफ दैट कलर कॉर्डिनेट एक्चुअली या ब्लैक इज द कलर। शुड वी टर्न दिस अराउंड सो दैट या वी विल Congratulations team internet wala love thanks for the love kabhi ha ja ja yes we are waiting for yours no cake all is possible no congratulations thank you so much you have to come.
आइए आइए मैंने देखा है एंड आई एम गोइंग टू वॉच इट इनसाइड विद एवरीवन। देखिए अभी आज फर्स्ट शो है तो अभी स्टोरी सेटअप हो रहा है। आई जस्ट होप दैट ऑफ कोर्स उम्मीद ये है दैट द शो इज अ सुपर सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज गिव इट अ वीक और हमें रिएक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि हाउ इज द शो, हाउ आर पीपल लाइकिंग इट एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक हफ्ता तो कम से कम देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मुझे ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको कैसे लग रहा है कि टीवी और फिल्मों में अलग क्या है। तो मेरा बस एक ही चीज़ है कि अलग कुछ नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न में आप 15 दिन 20 दिन उससे ज़्यादा आप काम करते हो लगातार। फिल्मों में आप एक फिल्म करते हो, फिर आपको ब्रेक मिलता है, फिर आप दूसरी फिल्म करते हो और आपको एक अलग फिल्म जॉनर और किरदार प्ले करने को मिलता है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी एवरीथिंग एल्स इज जस्ट द सेम। देखिए अब काम हर जगह डिफिकल्ट है, लॉन्ग आवर्स हर जगह है। इफ़ यू आर अ फिल्म एक्ट्रेस या तो फिर अगर आप ऑफिस जाते हो या अगर आप एग्जीक्यूटिव हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, सबके घंटे और सबके दिन बहुत लंबे हैं। तो मुझे नहीं ये नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है कि हाँ टीवी में और ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई अपने हर काम में बहुत
मेहनत कर रहे हैं या तो मेरे किरदार का नाम है माहिरा, जो एक बहुत बड़े कारोबार की मालकिन है. शी इज़ अ नो नॉनसेंस वुमन. वो अपने खुद के बल पे वो सफल हुई है एंड शी हैज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द पीपल अराउंड हर. क्योंकि आप तो एक मुकाम तक पहुंच सकते हो लेकिन आपको अपनी टीम की ज़रूरत भी होती है. एंड सो यस, ये होल एनवायरनमेंट में जहाँ आप देख रहे हो कि ये शो है इंटरनेट वाला लव, जो व्हाट्सएप और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी ज़िंदगी में ये सब सोशल मीडिया और ऐप्स कैसे इतने मायने रखती हैं, उस पे बेस्ड है. और उसके ऊपर जो प्यार होता है, कॉमेडी होता है, फ्रेंडशिप्स होती है, वर्क एनवायरनमेंट में क्या डायनामिक्स होता है, इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट इन अ लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा. इंटरनेट वाला लव, मोबाइल के बारे में दिखाया गया. आप कितने मोबाइल लवर हैं? बस हम सब मोबाइल लवर हैं. अगर आप सोचे, हमारे दो अंग हैं और तीसरा अंग है हमारा फ़ोन, क्योंकि हमारा फ़ोन हमेशा हमारे हाथ में होता है, हमसे छोड़ा नहीं जाता हमारा फ़ोन. तो मुझे लगता है आप जो भी हो, अगर आप 6 साल के बच्चे हो, आपके अगर मम्मी पापा ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया है, 6 साल से लेके 60 ईयर्स तक मुझे लगता है हम सब अपना फ़ोन हाथ में रखते हैं हमारे साथ. तो किसी से भी नहीं आजकल फ़ोन छूटा जाता है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बिग बॉस एज एन ऑडियंस. मैं देखना चाहती हूँ कि इस साल अलग बहुत है थीम, विचित्र जोड़ियाँ हैं थीम, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इसका आगे कैसे होगा और इसमें जो ड्रामा है वो ड्रामा कैसे अनफोल्ड होगा. नहीं, मुझे नहीं पता कौन से नाम अनवील हो चुके हैं. अच्छा, जो अभी अफवाहें जो चल रही है उसमें से कोई अगर आप बता सकें. नहीं, तो मैंने सुना नहीं, तो फिर मैं अनऑफिशियल चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ. जब ऑफिशियल होगा, शो का फर्स्ट एपिसोड होगा, तो तब देख के तब देखेंगे. थैंक्स. और कोई सवाल? एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क? ओके, सुपर. Thank you, ma'am. Sorry. मैं बहुत ही खुश हूँ. इंटरनेट वाला लव हमारा आज फर्स्ट एपिसोड था एंड मैंने देखा, मुझे बहुत मज़ा आया. एंड मैं छोटे से ब्रेक के बाद टेलीविज़न पे लौट रही हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट वाला लव बहुत ही रिलेटेबल है, तो आप एपिसोड देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. हाँ, ये जो शो, इनफैक्ट मैंने जब स्टोरी लाइन सुनी थी, मैं जब दिया के बारे में जाना था, जब मेरे को कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ दिया गया था कि वो इंटरनेट सैवी है, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही आउटस्पोकन है, तो मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा क्योंकि अनुष्का भी वैसी है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है जैसे आपको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे, एंड दिया भी वैसी है. तो इसे मुझे जब मैंने सुना ये स्टोरी लाइन कि इंटरनेट वाला लव, इट्स एक आज बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसे मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैं ये शो कर रही हूँ. जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेट पे आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं,
हाँ, क्योंकि एक तो मैं लाइव थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे कुछ फैंस हैं जो इंडिया में नहीं रहते, जो इंडोनेशियन है, फिर यूके है, तो वो उधर कलर से ही आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो लाइव. तो मैं जब लाइव थी तो आई कुड सी देयर रिएक्शन ऐसे लाइव पे कि अरे वाओ दिस दैट. सो उनका रिएक्शन एक तो देख के हमें मोटिवेशन मिलती है इन शॉर्ट, क्योंकि वो तब मुझे पता चलता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उन्हें अच्छा लग रहा है, एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उनकी वजह से. I'm sorry. मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेट करती हैं जो हमारी इंडिया की वुमेन है उनको, कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो एंड स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो. तो क्योंकि पहले लोगों का मेंटालिटी था कि सिर्फ लड़के ही ऐसा कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स में जाके नाम रोशन करना, बट अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि इन लोगों को देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम जो काम करते हैं उसे पूरे दिल से करना चाहिए और इंडिया को प्राउड करना चाहिए. थैंक यू. कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे मिले हैं और हमने एपिसोड देखा है, बड़ा मज़ा आया. और जो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जैसे कि आद्या है कि वो थोड़ा सा इंटरनेट से दूर रहती है और जय है इंटरनेट से लिटरली इंटरनेट में घुसा रहता है, तो वो डिफरेंस देखने के लिए मिला है. बाकी फर्स्ट एपिसोड है अमेजिंग शॉर्ट्स वाइज और हमारे डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और स्टोरी बहुत अच्छी है. तो आपने भी देखा होगा, आपको भी मज़ा आया होगा और बाकी हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे और हम रिप्लाई भी दे रहे हैं. बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. हम हमेशा से बचपन से मैं टेलीविज़न और डेली सोप्स देखते आया हूँ और आई एम सो हैप्पी कि कॉन्सेप्ट्स नए आ रहे हैं और इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूथ को फोकस किया जा रहा है थ्रू द, क्योंकि डेली सोप्स मान दे कि सास बहू ही होता है, पर थैंक गॉड ये चेंज हो रहा है क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ इस टेलीविज़न इंडस्ट्री का. तो पहला एपिसोड देख के मुझे फ़ील हुआ यस हम कुछ तो आगे बढ़े हैं और काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है हमारे डायरेक्टर सर, हमारी पूरी टीम. आज फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन नहीं भी हुआ था बट बाकी टीम का काम देख के हमें बहुत अच्छा लगा. हाँ. और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता, बहुत बहुत अच्छा लगा. देखो सीधी सीधी बात बताते हैं हम आपको, दिल्ली के जो लफंगे होते हैं ना लड़के, छोरे होते हैं ना, बस वही है वो देखने को मिलेगा आपको, टोटल स्वैग दिल्ली वाला स्वैग ब्रो कोड. और बाकी नई भी देखने को मिलेगा तो हम जबरदस्ती दिखा देंगे अगर नहीं और आपको गारंटी भी देते हैं कि आप लोगों को पसंद भी आएगा क्योंकि दिल्ली वाले तो ऐसे ही होते हैं. जैसे कि हमें इंटरनेट वाला ना देखा, इंटरनेट पर फ्लर्टिंग किए हैं आपको रियल लाइफ में और क्या लव हुआ है? कैसी बात कर रहे हो सर, इंटरनेट पे तो फ्लर्ट ही होता रहता है क्या? फेसबुक बनाया किस लिए था. और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, दोस्ती भी बनती है, फ्लर्ट भी होता है, तो इंटरनेट वाला लव लेके आए, इसमें ट्विस्ट्स बहुत होंगे. एग्जैक्टली इंटरनेट वाला लव हमारे टाइटल से ही पता लगता है, लव और फ्लर्ट यही सब तो होगा. यही सब हो. कर सकते हैं हां जी, एक इंसिडेंट से शेयर कर सकते हैं जो हुआ होगा. इंसिडेंट तो अपने रोज होते रहते हैं क्योंकि मैं बता नहीं सकता यहां पे क्योंकि थोड़ा सा मैं बताता हूं. मेरे साथ हुआ था जब मैं आई थिंक स्कूल टाइम में था, तो मैं ऐसे ही फेसबुक नया इंस्टॉल किया था, तो उस समय फेक प्रोफाइल्स बहुत होते थे, तो उस समय नई गर्लफ्रेंड बनाने का चुल होता है ना सब में, तो मुझ में भी था. तो मैंने भी ट्राई किया कि भाई इंटरनेट वाला लव मेरे साथ हो जाए. तो मैंने क्या किया, मैंने एक लड़की का अच्छा सा प्रोफाइल डीपी देखा, मैंने बोला लड़की तो बहुत अच्छी है यार और स्कूल भी मैचिंग था, तो मैंने उसको बोला कि हाय दिस इज़ सागर एंड कल हम स्कूल में मिलते हैं. फिर पता चला साला मेरा क्लासमेट ही था जो मुझे उल्लू बना रहा था और एक महीने तक मुझे ऐसे परेशान किया, अच्छी अच्छी बातें की और मुझे इंटरनेट वाला लव हो रखा था. पर जब पता चला कि भाई ये तो मेरा दोस्त है तो भाई बैंड बच गई थी मेरी बहुत बुरी वाली. एक हमने किया था ऐसे ही, हम क्या कर रहे थे, मैंने अपनी प्रोफाइल पे लड़की की पिक लगा ली और नाम भी कुछ रूबीना टाइप लिख लिया. उसके बाद एक लड़की का मैसेज आता है तो मैंने हाय हेलो थोड़ा सा
और फ़ोन पे बात नहीं की ना वीडियो पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ उससे, करता रहा एग्जैक्टली वो हमारा फ्रेंड था। तो हमने कहा कि अभी केक खाने का मन कर रहा है, तू आ जा, मेरे घर पे कोई नहीं है, बदल दिया जा। वो बंदा पहुँचा घर पे, गेट खटखटा रहा है, गेट पे कोई नहीं, कहते यहाँ पे तो कोई नहीं। ओ यार तुम लेट हो गए, मैं ना अभी शॉपिंग के लिए इधर आ गई, तुम केक वहीं पर रखो, मैं बस 5 मिनट में आई। वो केक रखे वहाँ से गया निकला, उसके बाद मैंने प्रोफाइल डिलीट की और उसके बाद अपने दोस्त से बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड बन के उससे बात कर। उसने मेरा बॉयफ्रेंड बन के उसको गालियाँ दी तकड़ी, वो वहाँ से भाग गया। जो वहाँ से भागा तो हमने गेट खोल के केक अंदर लिया, फिर हमने केक खाया। USP यंगस्टर्स हैं और अच्छी कहानी है हमारी जो दिखा रहे हैं आपको, इंटरनेट से रिलेटेड और विदाउट इंटरनेट लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, और आजकल लाइफ कितनी मॉडर्न हो चुकी है कि हमें इंटरनेट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके बेनिफिट्स हैं। और बाकी दिल्ली का स्वैग है, यंगस्टर्स हैं, और क्या चाहिए, फ़न भी मिलेगा, कहानी मिलेगी अच्छी, अच्छा लव मिलेगा, और क्या चाहिए। व्यूअर्स को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं पहली बात तो, दूसरा यंगस्टर्स को पता चलेगा कि इंटरनेट यूज़ करने से क्या कॉन्स होते हैं और क्या मतलब अच्छाई होती है उसमें, और दूसरा तीसरा ये पता चलेगा कि इंडिया इंटरनेट यूज़ करने में पीछे नहीं है। जो हमारी चटपटी सी फैमिली देखने को मिलेगी ना इसमें, उसमें आपको पता चलेगा कि हर अलग अलग कैरेक्टर्स इंटरनेट किस हिसाब से और किस पसंद से यूज़ करते हैं। तो आई थिंक यंगस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, प्लस अदर ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि बस इंटरनेट की बस फ्लड के लिए, लव के लिए, ऐसा नहीं है। इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी, जो पहले हमें घर से दूर जाना पड़ता था मनी ट्रांसफर के लिए, यहाँ जाना पड़ता था, वहाँ जाना पड़ता था, टिकट के लिए वहाँ जाना पड़ता था, तो वो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, हाथ में आप कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर इंटरनेट से प्यार हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं हम आज, एंड एपिसोड देखने वाले हैं, हम पूरी टीम साथ में बैठकर एपिसोड देखने वाली है, तो उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, जिनके साथ आप एक फैमिली की तरह रहते हो, उनके साथ एपिसोड देखने में अलग ही मज़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कैरेक्टर के बारे में बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, एक सिंपल सी स्वीट सी लड़की है जो अभी भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर भागती है, अभी भी ओल्ड और कन्वेंशनल वेज में ही बिलीव करती है। बहुत सिंपल सा कैरेक्टर। मेरा रियल लाइफ से थोड़ा सा ही रिलेटेबल है, मतलब मैं आधा की तरह इतनी इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, बट सोशल मीडिया पर हूँ, ऐसी बात नहीं, आधा तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर नहीं है, बट इतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, बट अभी बहुत ट्राई कर रही हूँ, अभी शो शुरू हो तो प्रमोशन तो करनी है ना। यस, यस, एक एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस इस चीज़ की भी है कि क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने शोज़ किए वो सब हिस्टोरिकल रहे हैं, एंड ये मेरा पहला ऐसा शो है जिसमें मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह आ रही हूँ, प्रिंसेस या क्वीन की तरह नहीं आ रही हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेशर नहीं कह सकते, थोड़ा चैलेंजिंग तो रहा है, हर कैरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, बट ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, जो कॉन्सेप्ट है शो का वो काफ़ी डिफरेंट है, तो देखो अभी तो 16 साल की हूँ, आगे का मुझे नहीं पता, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप बस ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए, इतना सारा प्यार देते रहिए, और हम आगे भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे, सो थैंक यू सो मच। पार्टी चल रही है, हाँ देखा गया शो, देखा
आज तो पहला दिन है, हम यहीं हैं। अच्छा अच्छा, यहीं 7 बजे से आप? थैंक यू सो मच। हेलो, शो के लिए बहुत अच्छा कहना चाहेंगे, आप लोग बस उसको सपोर्ट करें, प्यार करें। एक कुछ नया अटेम्प्ट किया है हमने, एंड आई विश आप सबको बहुत पसंद आएगा एंड आप फॉलो करोगे एंड हमें प्यार दोगे। जी जी, अभी तक ज़्यादा तो नहीं, बट मेरे मॉम डैड से ही मेरी बात हुई है, उन लोगों को बहुत पसंद आया। बाकी अभी फैंस के, फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर्स के, सबके मैसेज आ रहे हैं, तो आई होप सबको पसंद आ रहा है अभी, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड और भी आता रहे एंड और हमारा शो अच्छा करें। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरनेट वाला लव नाम ज़रूर है, पर ये है दो वर्ल्ड, जो एक जो हम नई जनरेशन हो चुकी है जो एकदम इंटरनेट पे रहती है, और एक जनरेशन जो अभी उससे दूर है, मतलब एक जो रियलिटी है उससे दूर चल रही है, उसके बारे में है। और ऑब्वियसली एक स्टोरी है, उसमें से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो आपको देखना हो या जो नहीं देखना हो वो डिपेंड करता है। इंटरनेट पे आपने कितना फ्लड किया हुआ है? मैंने कितना फ्लड किया हुआ है इंटरनेट पे? इंटरनेट पे तो नहीं, जैसे मेरा कैरेक्टर है जय, वो ज़्यादातर डेटिंग साइट्स पे रहता है, तो मुझे याद है कि 1-2 साल पहले जब ये हमारी डेटिंग साइट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, तो मैं सोचा एक बार देखता हूँ कि क्या है क्या, तो मैंने ऐसे अकाउंट बनाया। और जैसे ऑब्वियसली एक एक्टर, एज एन एक्टर लोगों को पता होता है, लोग जानते हैं, तो मैंने अकाउंट बनाया, किसी से बात करनी शुरू की, तो कोई मुझे डांटने लगी, अरे तुम फेक हो, तुम शिविन की आईडी क्यों बना के बात कर रहे हो। सो या, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट या, दैट वाज माय थिंग। इस शो के थ्रू आपको बहुत 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 ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा। मैसेज तो देखिए देखने वाले पे है कि वो क्या मैसेज लेना चाहता है, बट हम एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप सबको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे, एंड जो भी देखेगा वो एंजॉय करेगा ये शो। जी मैं तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, एंड इट्स लाइक आई नो कि कितना हार्डवर्क, कितना कमिटमेंट है, एंड आई वांट टू विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू वॉच। थैंक यू। हेलो, गिर गया ना। ये है इंटरनेट का सड़क का भूत सवार, क्या कि पिक्चर लिया एंड लाइक शो भी रहा ही नहीं जाता अंटिल यू सी द पिक्चर, कि आई एम लुकिंग परफेक्ट इन द पिक्चर ऑल ऑफ दैट। हेलो कॉन्टेंट एक्चुअली, या ब्लैक इज Should we turn this around so that? Yeah, we will. They are just congratulations, team internet wala love. एक सेकंड जाओ क्या बीच में? हाँ जा जा। यार बिजल हो जाओ। Yes. Yes, we are waiting for yours. No cake cut is possible. No. Congratulations. Thank you so much. God, no, you know, please, not you have to come. कैमरा तो है, थोड़ा सा वो जल जाएगा। वीडियो बन रही है। निशा, शिवम, शुक्रिया।
Thank you.